students, today we are start exercise 3.2 seventh question. ठीक है, सेवन क्वेश्चन क्या बोला है, गिव थ्री पेयर ऑफ प्राइम नंबर. क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, थ्री पेयर ऑफ प्राइम नंबर. डिफरेंस इज टू. ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर आपसे बोले कि दो प्राइम नंबर टू प्राइम नंबर जब होते हैं, ठीक है, और अगर उनमें डिफरेंस टू का है तो उसे हम ट्विन नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्विन नंबर. किसे बोलते हैं हम ट्विन नंबर? कोई भी दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर टू है तो उसे हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, तो हमें इसी क्वेश्चन में थ्री पेयर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस दो हो बट वो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर हो. ठीक है, तो लाइक जैसे प्राइम नंबर एक हो गया आपका थ्री और फाइव, इनका डिफरेंस कितना है? टू ना. ठीक है, और क्या होगा, फाइव और सेवन, इनका डिफरेंस कितना है? टू. ठीक है, और इलेवन एंड थर्टीन, इनका भी डिफरेंस कितना है? तो टू. हमें तीन ही बताने थे इसलिए हमने तीन बता दिया. और इनको क्या बोलते हैं हम? ट्विन नंबर्स. क्या बोलते हैं? ट्विन नंबर्स. याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेता है. ठीक है, है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है. हमें एक ऑप्शन दे रखा है 23, बी ऑप्शन 51 और सी ऑप्शन 37. ठीक है, हमें बताना है कौन सा प्राइम है. हमें पता है प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसके ओनली टू फैक्टर्स हो. टू कौन से हो गए? एक तो वन एंड एक इटसेल्फ. तो 23 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1 × 23 और क्या होगा, और कुछ होगा? नहीं, तो ये टू फैक्टर्स है, तो ये क्या है आपका? प्राइम नंबर. ठीक है, अब 51 का देखते हैं इसके क्या होंगे. अगर हम देखें, एक तो 1 × 51, ठीक है, टू का होगा फैक्टर, नहीं टू नहीं होगा, थ्री होगा. थ्री की थ्री होगा 17, 17 × 3 = 51 करके देख लेते ना, है ना. तो 17 × 3 = 51 और मतलब अब इसका तो देखी गए, इसके तो टू से ज़्यादा हो गए ना, चार फैक्टर्स तो हमने निकाले तो ये तो है ही नहीं, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो नॉट प्राइम नंबर. ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, 1 × 37, 37 का और नहीं होता तो ये क्या है आपका? प्राइम नंबर, क्योंकि इसके टू ही फैक्टर्स है. तो क्या आंसर आएगा आपका? ए एंड सी आर प्राइम नंबर्स. ठीक है, अब आते हैं हम नाइन क्वेश्चन पे. नाइन क्वेश्चन क्या कहा है हमें? हमें सेवन कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर बताने हैं, लेकिन मतलब सेवन नंबर्स बताने हैं हमें साथ साथ में, लेकिन उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता हो. तो क्या होंगे? 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96. ये सारे क्या है आपके? कंपोजिट नंबर. ठीक है, और कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स. ठीक है, ये कहलाते हैं आपके कंपोजिट नंबर. और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके ओनली टू फैक्टर्स हो. कौन कौन से? वन एंड वो इट्सेल्फ, खुद ही होता है. जैसे टू, टू का फैक्टर वन होगा और ओनली टू होगा, तो ये खाली क्या है? प्राइम नंबर्स. ठीक है, लेकिन अगर इसका कोई और फैक्टर होता है तो वो किस में आता? कंपोजिट नंबर में. ओके, टेंथ क्वेश्चन. टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें एक्सप्रेस करना है नंबर को, लेकिन और नंबर में. जैसे अभी हमने ऊपर किया था, लास्ट क्लास में हमने किया था, जैसे 21 है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है
तीन नंबर में, लेकिन तीनों नंबर क्या होने चाहिए आपके, और नंबर, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, देखो पहले सबसे पहले हम छोटा लिख लेते हैं, थ्री लिख लो, ठीक है, सेवन लिख लो, तो कितना हो गया, सेवन प्लस थ्री टेन, और अगर आप इलेवन लिखो तो टेन प्लस इलेवन ट्वेंटी वन, ठीक है। मतलब हमें एक्सप्रेस करना है थ्री सम में, थ्री नंबर्स में, बट तीनों नंबर आपके ऑड नंबर होने चाहिए, नॉट इवन नंबर, ठीक है। अब एक और देखते हैं, हम देखेंगे 53, ठीक है। 53 का कैसे लिखोगे, 53 को प्लस प्लस और प्लस क्या आएगा, आप देखो हम शॉर्ट में करते चलेंगे, ठीक है। 53 है ना, अगर 53 से छोटा, अगर आप 23 लिखो, हमें तीन में करना है ना, 23 यहाँ लिखा तो, और अगर हम यहाँ पे 17 यहाँ पे 13 लिखे तो आ जाएगा 17 13, और ये 53 आ गया ना। तो हमने तीन नंबर लिखे, तीनों नंबर और नंबर थे, और उससे हमने ये नंबर निकाल दिया 53, ठीक है। ऐसे करके हमें सारे पार्ट करने हैं, दो पार्ट रह गए, वो आप खुद करना। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन एक तरीके से आपका रिवीजन है, आपको कितना समझ आया, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, अ नंबर, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड, हमें बताना है नंबर ऐसा कौन, उसे क्या बोलते हैं जिसके ओनली दो फैक्टर्स हो। अभी हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, है ना। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, पार्ट क्या बोला है, अ नंबर, हम सिंपल पढ़ लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं, अ नंबर विच इज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, तो इसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, जिसके दो फैक्टर होंगे उससे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स, है ना। अब आते हैं सी पार्ट में, वन जो है वो क्या नहीं है, सी पार्ट क्या बोला, वन नाइदर ब्लैंक नॉर लेस, ठीक है। वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन क्या है, ना कि, ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। हम डी पार्ट पे, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, टू, ठीक है। और आपको पूछा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ई पार्ट में पूछा है स्मॉलेस्ट, ये था आपका प्राइम, स्मॉलेस्ट कंपोजिट, कंपोजिट मतलब जिसके टू से ज़्यादा फैक्टर हो, तो वन तो ओनली वन होता है, वन ना इधर प्राइम ना ही नॉर कंपोजिट, ठीक है। टू आपका क्या होगा, प्राइम नंबर। थ्री क्या होता है आपका, थ्री भी आपका प्राइम नंबर, क्योंकि उसके ओनली दो फैक्टर्स होते हैं। और फोर क्या होता है आपका, कंपोजिट, तो फोर ही आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आते हैं एफ पार्ट में, एफ पार्ट क्या बोला है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, हमें सबसे छोटा इवन नंबर बताना है, इवन बताना है, इवन मतलब जो टू की टेबल में आते हैं, मतलब टू, टू ही हो गया सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अगर आपसे पूछता है यहाँ पे स्मॉलेस्ट, एक हम अपनी तरफ से करते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं आपसे पूछूँ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो आप क्या बोलते, ऑड नंबर वन, वन इज अ ऑड नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। अगर मैं आपसे पूछूँ कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, अगर मैं आपसे पूछूँ टू को छोड़ के प्राइम नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, तो क्या बोलोगे, थ्री, ठीक है। मतलब अगर आपको डेफिनेशन आती होगी तो आप नंबर्स लिख सकते हो, और अगर नहीं आती होगी तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहीं हम आज की क्लास एंड करते हैं, बाकी का हम
एक्सरसाइज 3.3 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड मेरी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।